Assalamualaikum everybody, this is Talha from Talha Reviews YouTube channel. Guys, मुझे डेली अपने चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स आ रहे होते हैं, भाई बता दो यार बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 20,000, 25,000 एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन एज यू नो कि पाकिस्तान में गेमिंग स्मार्टफोन तो इस बजट में बहुत सारे आते हैं, बट दीज आर ऑल नॉट वेरी गुड फॉर गेमर्स। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक अभी भी ऐसा स्मार्टफोन है जो कि गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन साबित हो सकता है, एंड उसके ऊपर यार आपको एक ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। मैं कहता हूँ कि इस प्राइस टैग के अंदर ना ये वाला स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट एवर स्मार्टफोन होने वाला है। एंड यहाँ पर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये डिसाइड कर सकते हैं भाई, पैसे ना देखो जी, ले लो जी, ले लो जी। गाइस, इस वीडियो में आपको गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन सीरियसली परचेज करना है अपने लिए, तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल के साथ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगने वाला, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, लेकिन उसके पहले चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज की सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। सो भाई, लेट्स बिगिन। यहाँ पर थोड़ी सी अगर डिस्कशन करूँ ना मैं आपके साथ, तो एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर गेमिंग स्मार्टफोन्स हमारे पास बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये ब्रांड्स पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। देखिए, अभी 2021 चल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे जा रही है, लेकिन यार ये अभी भी हमें 25,000 के बजट में जायरोस्कोप वाला स्मार्टफोन ही नहीं दे रहे भाई। 25,000 में दूसरे फीचर्स तो डाल दिए, 48 मेगापिक्सल की नंबरिंग डाल दी और भी कुछ डाल दिया, 90 हर्ट्ज डाल दिया, लेकिन जायरोस्कोप जो गेमर्स की नीड है वो तो ये देते नहीं है। तो इनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बाय द वे गाइस, जिस स्मार्टफोन की अभी मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, उस स्मार्टफोन को सबसे पहले मैंने अनबॉक्स किया था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नो पोवा। अब इस वीडियो को देखने के बाद भाग नहीं जाना। और दूसरी चीज ये कि आई नो अभी आप पूछने वाले हैं कि पोवा 2 कब, बताओ वो कब आ रहा है, तो उसके लिए ये है। रुको जरा, सबर करो। गाइस, पोवा 2 जो है वो ग्लोबली जो है वो टीज होना शुरू हो गया, बहुत जल्द आने वाला है, अनबॉक्सिंग वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा सबर कर लें। जहाँ पर इतना सबर किया आपने दिसंबर से, अभी तक आप सबर ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और सबर कर लें। लेकिन अगर बात करें ना टेक्नो पोवा की, 2021 में अभी के लिए ये स्मार्टफोन वर्थ इट है या नहीं है, तो भाई ये स्मार्टफोन वाकई ही में वर्थ इट है, बिकॉज जिस प्राइस टैग में ये आपको मिल रहा है ना, मैं कहता हूँ कि कमाल है। सो बात करते हैं स्मार्टफोन की कुछ की फीचर्स की, उसके बाद मैं आपको अपना डिसीजन बताता हूँ। यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है 6.8 इंच के डिस्प्ले के साथ आ रहा है, IPS LCD 720 pixels के रेजोल्यूशन, पंच होल के साथ आ रहा है, 8 megapixels का सेल्फी कैमरा, टोटली एक नॉर्मल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। बैक की बात करूँ, डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो है वो बैक पर ही है, बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 13 megapixels का है, बाकी के जो तीनों कैमराज हैं उनकी अगर बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज वो जो है वो मार्केट गिमिक होती है, मतलब कि वो कैमराज फेक ही आप कह सकते हैं उनको। लेकिन हाँ, मेन कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक एवरेज निकल कर आती है। एंड अगर बात करूँ स्मार्टफोन की मेमोरी वेरियंट की, 6+128 GB, गाइज इट्स रियली इनफ। एंड यहाँ पर आपको जो है EMMC 5.1 वाली स्टोरेज टाइप मिलेगी। एंड यहाँ पर बात की जाए गाइज इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, बिकॉज प्रोसेसर इज मेन थिंग गाइज। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है भाई MediaTek का हीलियो G80, काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। एंड अभी भी जो है वो इन्फिनिक्स और टेक्नो के स्मार्टफोन्स में यही प्रोसेसर आ रहा है, लेकिन उन स्मार्टफोन्स में हमें जायरोस्कोप देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इस स्मार्टफोन में हमें जायरोस्कोप तो मिल रहा है, बट यार हार्डवेयर बेस नहीं मिल रहा, सॉफ्टवेयर बेस देखने को मिल रहा है। डिले आएगा, लेकिन हाँ जायरोस्कोप इस स्मार्टफोन में है सही, बिकॉज अभी जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें किसी भी स्मार्टफोन में हमें जायरो दिया ही नहीं जा रहा। यार क्या कर रहे हैं ब्रांड यार, मतलब कि 90 हर्ट्ज मार्केट गिमिक को पूरा कर दिया, 48 मेगापिक्सल मार्केट गिमिक को पूरा कर दिया, लेकिन जो जायरोस्कोप है जो गेमर्स की नीड है उसको पूरा कौन करेगा भाई, वो तो डालो गेमर्स के लिए, यार क्या कर दो यार ब्रांड्स। लेकिन इस स्मार्टफोन में गाइज आपको डिले मिलेगा, लेकिन अगर पबजी की बात करूं गाइज काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस निकल कर आता है गाइज, गेमिंग के मामले में काफी ज्यादा ओपी स्मार्टफोन निकल कर आता है इस बजट में। मैं कहता हूं कि इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है गेमिंग के मामले में, काफी ज्यादा ये वाला स्मार्टफोन बेहतरीन स्मार्टफोन है गाइज, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अभी तक जो है वो इस बजट में यही वाला स्मार्टफोन है। अभी तक मैंने आपको प्राइस नहीं बताई, आई नो मैं आपको प्राइस भी बताता हूँ, लेकिन एक लास्ट चीज जो स्मार्टफोन में है सबसे ज्यादा बेहतरीन वो है 6000 mAh का एक बहुत बड़ा बैटरा गाइस। यस, लेकिन हमें 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है, बट हाँ माइक्रो USB। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें ना स्मार्टफोन की, यार काफी ज्यादा बेहतरीन स्मार्टफोन है अभी के लिए, अगर आप 2021 में भी परचेज करते हैं। आई नो कि बहुत आने वाला, लेकिन वो थोड़ी सी अप प्राइस में आएगा 25 से 26 हजार के अराउंड। लेकिन अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात कर ली जाए गाइस, ये स्मार्टफोन आपको अभी के लिए मिलेगा 20,250
20,000 कह सकते हैं ना इसको। देखें यहाँ पर दराज पर अभी के लिए मोबाइल की जो है मोबाइल वीक सेल चल रही है, वहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको जो है वो 23,500 का मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको जो है कुछ स्पेसिफिक बैंक्स हैं जिनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप बैंक के थ्रू परचेज करते हैं 10% आपको ऑफ देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये स्मार्टफोन अभी के लिए आपको 20,250 में देखने को मिल रहा है, लाइक कह सकते हैं कि 20,500 बिकॉज डिलीवरी वगैरह डालकर, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ठीक है, 23 तारीख तक दराज पर सेल चल रही है, लेकिन यार अगर आप इसको ऑनलाइन नहीं भी परचेज करते तो ऑफलाइन मार्केट में भी आपको अराउंड इतने तक मिल जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 21,000 तक। तो अभी के लिए गाइज अगर देखा जाए तो यार ये बेस्ट एवर गेमिंग स्मार्टफोन है इस बजट के लिहाज से, बिकॉज टेक्नो स्पार्क 7 प्रो आया उसका तो स्टॉक ही नहीं कहीं से मिल रहा, वो आपको मिल रहा अगर आपने किसी ने परचेज करना था। ये भी मार्केट गिमिक है, याद रखें रेडमी ने फर्स्ट टाइम किया, नोट 10 सीरीज के साथ काफी ज्यादा हाइप क्रिएट होगी तो ब्रांड ने कहा चलो भाई ऐसे ही करते हैं फिर। तो ये कुछ ऐसे सिनेरियोस चल रहे हैं मार्केट में, लेकिन यार ये स्मार्टफोन आप जो है वो नो डाउट परचेज कर सकते हैं हर लिहाज से। अभी कैमल 17 आया है, उसी के साथ में इन्फिनिक्स हो 10S आया, हो 10 आई आया, वो सारे बेकार हैं इसके आगे, ये स्मार्टफोन अभी के लिए भी बेस्ट जा रहा है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, रीसेल वैल्यू भी अभी के लिए स्मार्टफोन की अच्छी खासी निकल कर आ रही है। सो आई होप कि आपने मेरी चीज़ों को बातों को अंडरस्टैंड किया है, मैंने जो आपको चीज़ें बतानी थी क्लियर कर दी हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, इस वीडियो में आपको कुछ भी फीडबैक देना है कमेंट्स में दीजिएगा, या आपको कुछ अपग्रेड चाहिए, वीडियो को कैसे अच्छा बनाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके, मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। बट मैंने आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए भाई, तब तक के लिए बाय।